ग्राउंड जीरो को स्वागत करछु तपन। आज अश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रे श्रीक्षेत्र रे अनुष्ठित होउछि प्रसिद्ध गोसाणी यात्रा। सिंहद्वार निकट रे सातसाही 42 कंदी रे प्राय 60 मेढ़ एकाठी हेबे एवं एकाठी मध्य होइछन्ति। परंपरा अनुसार श्रीमंदिर रे महादीप उठिले दर्शन करी गोसाणी देवी माने परे जणे मेलाणी रे बाहरिबे। ए गोसाणी यात्रा देखिबा पई पूर्व वर्ष गुड़िक रे बडदांड रे हजार हजार भक्तंकर समागम होइथाय, किंतु एथर कोविड कटकणा जोगु बिना भक्तर हेउची गोसाणी यात्रा। हाइकोर्टकर निर्देश एवं सरकारकर गाइडलाइन को अनुपालन करा जाउची। एतिलागि आज दिन 12टा रु श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व एवं सिंहद्वार ठारु मरीचकोट छक पर्यंत बडदांडरे 144 थारा जारी करा जायछि। मात्र गोसाणी देवी माने आज सिंहद्वार श्रीमंदिर चतुर्पार्श्वरे 42टी कोणरे 60टी मेढ़ बा 60टी देवींकर प्रतिमूर्ति आसी सेठारे पहुंचिछन्ते एवं समस्ते महादीप श्रीमंदिर रे उठिबा परे ताकू दर्शन लाभ करिवे। दर्शन लाभ करिबा परे समस्ते जणक परे जणे मेलाणी नेबे। तबे संपर्क रे ताजा चित्र देखिबा एवं सीधा सळक अधिक तथ्य देबा पई आम सहित अधिक तथ्य देबा पई जुडी होई जाइछन्ते हम पुरी प्रतिनिधि संजय महापात्र। संजय, जदि आमे देखिबा जे ए स्वतंत्र परंपरा गोसाणी महोत्सवर, यदि आमे देखिबा 60 मेढ़ एकाठी होइथांति, वर्तमान सुधा समस्त मेढ़ एकाठी होई सारिलेनी बडदांडरे। एवं आउ गोटे कथा जे जेतेबेले जणे परे जणे मेढ़ एकाठी हेबा परे जणे परे जणे मेलाणी नेबे, सेतेबेले एई भसाणी उत्सव अनुष्ठित हेबो ना मेलाणी नेबा परे मध्य आउ किछि दिन अपेक्षा करबा को पड़ी थाए। संजय आपण सुनि पारु छंदी? हाँ निश्चित भाव तपन आपण देखि पारु छंती। आमे वर्तमान बडदांड रे रहिछु, किभळी भाव रे वर्तमान माँ गोसाणी देवी मानकर आगमन होउछि। एवं आमे जदि कहि परबा वर्तमान बडदांड को वर्तमान जनीखाई ठाकुराणी आसी सारेणी एवं बारबाटी मध्य आसी पहुँची सारी एवं गोटे पर गोटे गोसाणी देवी आसिकी यही बड़दाण्ड में पहुँचुंट प्राय सात साहीर जो रही 42 कंदी रही प्राय 50 रु ऊर्ध गोसाणी देवी देवी जो मेढ़ रही समस्ते यही बड़दाण्ड को आसबे। एवं बड़दाण्ड में सेमानकर गोटे जो देवी सभा अनुष्ठित हम होता है कहा जाए, तेणु समस्ते धाड़ी होकर अवस्थान करेंगे एवं माँ को एटी पूजार्चना करेंगे। प्रति माँ पाखे जो कमिटी मेम्बर सब रही जगार बर्तमान दीप एवं विभिन्न प्रकार प्रसाद प्रसाद को लागू थाए, तेणु निश्चित भाव में ये परंपरा ये हूँ सारा भारत वर्ष देखा जाए ना, ये एक स्वतंत्र परंपरा। कारण जितेबले दशहरा सरी जाए से दुर्गा देवी देवी जो मेढ़ सब रही से सीधा सब मेलाणी हाँपी जा प्रसेसन जाती, किंतु एटी से भली परंपरा ना जे सबू गोसाणी देवी माने केवल सिंहद्वार आगे आसती जो देवसभा अनुष्ठित हुए समस्ते रही था। जितेबले श्रीमंदिर को महादीप उठे से महादीप दर्शन करी तापरे जणे परे जणे से मेलाणी पाई यात्रा करी विजयी था, तेणु से स्वतंत्र व्यवस्था करा मंगला घाट रे जो जल विसर्जन प्रशासन पक्ष स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण करा किभली भाव रे कोविड नियम आधार रे सब कार्य संगठित हो पार से प्रशासन पक्ष स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण कर स्वतंत्र गाइडलाइन प्रस्तुत करा जाइछि। आपण देखि पर्थुबे एतर जेहेतु प्रति वर्ष जो गोसाणी यात्रा हेथाय एतर जेहेतु कोविड रो कटकणा रहिछि कोविड रो नियम रहिछि राज्य सरकार को निर्देश हाईकोर्ट रो परामर्श जो रहिछि तेणु ताकु संपूर्ण भाव रे तबे संजय आउटे कथा मध्ये एटी जानिया पय चाहिबु जे श्रीमंदिर रे केते बेले महादीप उठिबो एवं प्रत्येक गोसाणी देवी जो मान रहिछन्ती वर्तमान सिंहद्वार सामना रे सेमाने उपस्थित अछन्ती जणक परे जणे जते बेले मेलाणी नेबे केते बेले महादीप उठिबो श्रीमंदिर रे। हाँ निश्चित भाव तपन आप कहते निश्चित भाव जो मंदिर जो नीतिकांति चली था आप जानते जो संध्या धूप जो सरे संध्या धूप पर मंदिर को महादीप उठी थाए
तेणु जो चुनरा सेवायत रही चुनरा सेवायत मान महाद्वीप को उपरकु नहीं था तेणु जोबले महाद्वीप मंदिर उपरकु जाए से ही समय गोसाणी देवी मान महाद्वीप दर्शन कर जड़े पर जड़े मेलानी मेलानी होता तेणु निश्चित भाव आप देखुं जहाँ श्रीमंदिर जी नीतिकांति कथा कह निश्चित भाव में बर्तमान दैनंदिन जहाँ नीतिकांति रही आगे चली संध्याधूप पर यही नीति अनुष्ठित हो पूर्व आम जब कहीपर बर्तमान प्राय 20 रु ऊर्ध संजय देखा चित्र देखा पाच विभिन्न दुर्लभ बेश गुड़ी सुसज्जित कर देखा मिलू के सब दुर्लभ बेश गुड़ी कर गोसाणी देवी हाँ निश्चित भाव में तपन यो गोसाणी देवी गोटे गोटे भिन्न परंपरा बोली कहले अत्युक्त हम ना कारण ये गोसाणी देवी बोलिकी पूजा करा जाए यही सब शारदीय पूजा रे जो देवी जो आख्या रही किंतु सेपटे आम जब कहीपर नागामूर्ति जड़े पुरुष हेले गोसाणी देवी भाव में पूजा अर्चना कराए पाखे वन दुर्गा मंत्र आह्वान कराए तेणु से आप देखिपे ये मुझे विजुआल देखा निश्चित भाव में ये हूँ माँ जननी खाई प्रतिमूर्ति किभली आकर्षण ढंग से प्रस्तुत होती माँ हूँ माँ निश्चित भाव में आम जब कहीपर दुर्गति नासिनी एवं से निजे प्रथम जोटा कि सिंहद्वार रु जो रही मंगुली मठ रही से ही सामनार प्रथमार्ध से अवस्थान कर संपूर्ण भाव में सफेद जो सोलो सोलो कारुकार्य आच्छादित कर सुसज्जित कर्श्वे रही बारवाटी बारवाटी आप देखुं कि सुनार देवी भाई जना पड़ी जीभली भाव में माँ अनेक स्वर्ण अलंकार जमी विभूषित होती सुनार रंग एवं संपूर्ण अति सुंदर भाव में प्रस्तुत होती माँ का उच्चता आम जब कहीपर प्राय 18 रु 22 फुट उच्च मूर्ति किंतु जेहेतु एथर कोविड गाइडलाइन रही प्रशासन कड़ा निर्देश रही तेणु प्रशासन नियम आधार में बर्तमान यू मूर्ति प्रस्तुत करा आमे कही परिवा अनेक विधि परंपरा रही गोसाणी मेड़ सब आसे तेज संजय आउ गए कथ जानापी चाहेबू जेहेतु 144 धारा बर्तमान श्रीमंदिर जब आम देखा मरीचकूट छक पर्यंत बड़दाण्ड में 144 धारा जारी करा वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था आप किभली देखुं कारण भिड़ नियंत्रण सबुठ बड़ चैलेंज रही प्रशासन पाई विशेष करके श्रीमंदिर प्रशासन और पुलिस पाई कारण कोविड गाइडलाइन गोटेपटे रही आउ गोटे पटे मेलाणी देवाई जो गोसाणी प्रतिमा गुड़िक रही धीरे धीरे मेलाणी नेब से कि समस्त व्यवस्था को आपड़ कि सुरक्षा अवस्था कि देखुं हाँ निश्चित भाव में तपन आम जी कहीपर जेहेतु आज गोसाणी यात्रा रही तेणु आज सका गोसाणी को लेकर आगुआ प्रस्तुत करा एवं प्रशासन पक्षर दिन 11 दिन गोटाए पूर्व दर्शन को बंद कर दि जा तेणु मंदिर भितर को कौन भक्त को प्रवेश करने को दि जाऊना बर्तमान जेहेतु कोविड भयावहता रही कोविड भयावहता दृष्टि आज बड़दाण्डर जो मर्चिकोट छक रही सिंहद्वार पर्यंत 144 धारा जारी कर जो मंदिर चतुपार्श्व को 144 धारा जारी करा वर्तमान आम कहीपर 4 रु 6 प्लाटून फोर्स मुतयन होती खोद उपजिलापाल उपस्थित अच्छा एसपी उपस्थित अच्छा समस्ते वर्तमान कोविड नियम बा जो गाइडलाइन रही किभली भाव में पालन करापर समस्ते गुरुत्व दौरान आज जितेबाला मेढ़गुड़ी यही सभास्थल को आसला सिंहद्वार सामना को आसला से कमिटर जो 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 7 जन मेम्बर रही आसी समस्ते कोविड कटकणा को मानी सबू जो गोसाणी देवी मेढ़ रही प्रति मेढ़ जो मैंने कि डेजिग्नेटेड मेम्बर सब रही आसी अन्य माने जो माने भी सहायता करते मेढ़ पहुंचा पर जगह छाड़ी देखते जेहेतु ये अंचल 144 धारा जारी होती तेणु ये अंचल को बाहर लोक को प्रवेश अनुमति नहीं
तेणु निश्चित भाव आम कहीपर एटी जी लोक बुलूंट केवल ये प्रति मेढ़र सांगे जो सात जन लखाएं आसी समस्ते केवल ये मेढ़ पाखे रही मेढ़ को जो पूजार्चना कराए माँ का पाखे जो पूजार्चना कराए दीप फूल एवं प्रसाद लग जाए तेणु तारी कार्य समस्ते नियोजित अच्छा सीधा साल कथा आम सहित अच्छा जे कि जन वरिष्ठ सेवायत आज कौन कहे किभली देखुं ये जो परिवेश को एवं परंपरा को कौन कह आज एत सुंदर महल है महाप्रभु माँ को जो आशीर्वाद भिक्षा कर समस्ते आम पृथ्वी आम देश कोरोना महामारी मुक्त केमी मिल माँ समस्ते गोटे जगार बस आज सभा मंडप माँ मान समे बस समस्त माँ को आशीर्वाद जाऊ माँ को समस्त रक्षा करूँ समस्ते घरे रुंतु समस्त खुशी रुंतु प्रार्थना करते कथा प्रश्न जो कोविड कटका क्या कहु संपूर्ण भाव मानी समस्ते अति कम संख्यक मेम्बर को लेकर मंदिर चतुर्पाश आम 144 जारी कर जो मानक पास दिखाई एवं आम मूर्ति मान संगे जी लोक आवश्यकता अच्छी से आवश्यकता अनुजाई से कार्य चली 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 थब ए कौन से कह असुविधा है जमी रथयात्रे हू कि स्नान पूर्णिम हू आम पूरीवासी मान सम्मान लेते प्रशासन निश्चित भाव देखा समस्त व्यवस्था को सुरखुरी संपादन करने कि प्रशासन तरफ समस्त व्यवस्था ग्रहण कर बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपंकर समस्त ताजा सूचना और आलोचनापी पूरी प्रतिनिधि संजय महापात्र आम सहित सीधासख पुरीर बड़दाण्डर आम सहित जोड़ी होते हैं सेठे आमको चित्र देखाऊ कि भाव में गोसाणी देवी मैंने बर्तमान बड़दाण्डे उपस्थित बड़दाण्डर मरीचकोट छक श्रीमंदिर चतुर्पार्श्वक 144 धारा जारी करा एवं गोसाणी देवी माने श्रीमंदिर रे महादीप उठिबा परे समस्ते जणक परे जणे सेठारु मेलाडी नेबे तबे ग्राउंड जीरो रे वर्तमान समय होइछे एक छोट कमर्शियल ब्रेक रो ब्रेक परे आउ किछ खबर उपरे नजर पकाइबा ब्रेक परे स्वागत गंजाम गांगपुर थाना आंबदोली ग्राम से 11 केवि विद्युत तार संस्पर्श से आसी युवकों मृत्यु पर उत्तेजना देखाई सहित क्षतिपूरण दाबी में भंजनगर आसिका मुख्य रास्ता अवरोध कर ग्रामवासी सूचना अनुसार आंबदोली ग्रामर लिपुन स्वाई निज जमीर काम सारी घर को फेरुले तेज अचानक 11 केवि विद्युत तार संस्पर्श से आसी जाते फल घटनास्थल हिं मृत्यु घटी विद्युत तार तले पड़ा से देखिपारी ना विद्युत तार संस्पर्श से आसी मृत्यु घटी अनेपटे स्थानीय लोके मृतदेह को उद्धार कर रास्ता उपर क्षतिपूरण दाबी में भंजनगर आसिका रास्ता अवरोध कर घटनास्थल उत्तेजना देखाई खबर पाई गांगपुर पुलिस घटनास्थल में पहुंची उत्त्यक्त लोकों बुझासुझा कर तेज 11 केवि विद्युत तार संस्पर्श से आसी युवकों मृत्यु घटी सूचना रही है संपर्क में अधिक सूचना देवे आम सहित अच्छा प्रतिनिधि भंजनगर मनोज गौड़ आम सहित अच्छा मनोज जब आम देखा जे युवकों 11 केवि विद्युत तार संस्पर्श से आसी मृत्यु घटी प्रथम तो जानापी चाहबू भंजनगर और जो अंचल युवकों 11 केवि विद्युत तार संस्पर्श से आसी मृत्यु घटी से अंचल में विद्युत वितरण संस्था किए कम कर 11 केवि विद्युत तार जितेबाला छिंडी पड़ी पाखे कौन सी खबर कहीं ना सेठे विद्युत कहीं बंद कर तार छिंडी पड़ा पर सतर वर्ष रोटे युवक प्राणहानी कहु कारण गत काली राति सेठे 11 केवि जो तार छिंगी जाइला तेणु स्थानीय अंचल लोक मैंने टाटा नहीं साधारण विद्युत संचरण कार्य से अवगत करते कि विद्युत विभाग कहवा अपारगता जो जेहेतु से करेन्ट काटा खामखियाली करते सका जो पिला साधारण आंबदेवी ग्राम अमर स्वाई पुह किए थे 17 वर्ष पुह लिपुन से कौन कारणवशत घर बिल को कम करने कि रास्ता पार्श्व आम जो देखिए मुख्य सड़क रास्ता पार्श्व आमर बर्तमान ये जो
साढ़े पांचटा पर्यंत रास्ता रोक रही अवस्था घटनास्थल जो रही तहसीलदार एवं आईआईसी आसी पहुंचे से बहु बुझा सुझा पर दीर्घ पांच घंटा पर बर्तमान जहां सूचना आसी पहुंचुची रास्ता रोक हटी अवश्य से रेडक्रॉस पांचि दस हजार टंका दि जा हरिश्चंद्र योजन दुई हजार टंका दि जा किंतु देखा ए भाया जो निरीह गोटे सतर वर्ष युवक जहां जीवन हानि हटी एथिपाई प्रकृत दायी किए कारण बाहुबार साधारण गत काली राति चारोटी सीट जाइला नहीं बारंबार लोक मैंने अभोग करते कि विद्युत विभाग खामखियाली नीति जो सेठे करंट कटा जा ना जहाँफल आज सका देखा सातटा समय बिल को कम करने आसा जन युवक करंट कटि जाइए छिड़िकी पड़ा से तार संस्पर्शे आसिले और प्राणहानि आसला बर्तमान सुधा से भाई अवस्था से तार लगिकी से युवक से भाई अवस्था थे लोक मैंने बारंबार दावी करते से पचास लक्ष सहित घर कौन लोक गोटे स्थायी निजुक्ति दि जाए किंतु विद्युत विभाग कौन कर्मचारी बर्तमान निश्चित भाव में मनोज बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त सूचना प्रतिनिधि मनोज गौड़ जो तो सीधासल जोड़ी हुई जाइए और अधिक तथ्य देते जे वर्तमान रास्ता रोक हटी और रास्ता अवरोध हटी और रेडक्रॉस जदि आम देखा आउ दुई हजार टंका युवकों पर लोक शवदाह करने कि सहायता प्रदान आगू आहुरी सहायता प्रदान करतिश्रुति मिली सूचना रोचे तैल दर बढ़ा पर महंगा हो बस भड़ा ऑटो मेकानिज्म व्यवस्था अनुसार आज पुणी बढ़ी बस भड़ा साधारण बस एक्सप्रेस बस किलोमीटर पिछा तीन पैसा लेखाएं वृद्धि पाई बेले डिलक्स एवं एसी डिलक्स बस छ पैसा वृद्धि घटी से सुपर प्रीमियर बस किलोमीटर पिछा नौ पैसा वृद्धि पाई पूर्व साधारण बस भड़ा किलोमीटर पिछा अणानबे पैसा थी बेले बयानबे पैसा होपरी एक्सप्रेस बस भड़ा किलोमीटर पिछा तेयानबे पैसा थी बेले छयानबे पैसा डिलक्स बस भड़ा किलोमीटर पिछा एक टंका अणतीस पैसा थी बेले एक टंका पैंतीस पैसा एसी डिलक्स बस भड़ा यह पूर्व किलोमीटर पिछा एक टंका सतावन पैसा थी बेले एक टंका तेसठ पैसा होड़ा सुपर प्रीमियर बस भड़ा यह पूर्व किलोमीटर पिछा दुई टंका चौरालीस पैसा थी बेले नौ पैसा वृद्धि पाई दुई टंका तेपन पैसा होता कहते घर बस मालिक संघर संपादक डीजेल दर शहे पार कर चढ़ा बस दर में जात्री को नहीं बस सेवा जोगाइबा काठिकर पाठ बोली कहते संपादक देवेंद्र साहू एथिपाई बस मालिकों पर डीजेल उपर सब्सिडी किंबा टैक्स छाड़ करने दाबी करते नचेत कोविड परे यही महंगा डीजेल दर अनेक बस चलाचल बंद हो बस मालिक संघर संपादक तेज इस संपर्क में अधिक आलोचनापाई आम सहित अच्छा भुवनेश्वर प्रतिनिधि राजेश सामंतराय आम सहित अच्छा राजेश जदि आम देखा गोटे पटे डीजेल शहे टंका पार कर सारा राजधानी में पूरा जदि आम देखा राज्य में बर्तमान एभली स्थित रोचे मलकानगि कथा तो कहले न सरे कारण से शहे दस बर्तमान पेट्रोल दर शहे दस डीजेल शहे टंका रही भाव में डीजेल दर बढ़ा तैल दर बढ़ा तावर्त मुहूर्त में ऑटो मेकानिज्म अनुसार बस दर बढ़ा निश्चित भाव में साधारण लोकों को पॉकेट को यह निश्चित भाव बहुत बाधुची देखु ये जो दर वृद्धि होती देखा ताल किलोमीटर पिछा नौ टंका नौ पैसा वृद्धि पाई अर्थात शहे किलोमीटर गले आपको हाराहारी नौ टंका वृद्धि होती ये जो वृद्धि होती केवल आवश्यकता को दृष्टि देखिकी कौन बाध्यबाधकता नुहे कारण जितेबाला डीजेल प्राइस वृद्धि हो अनुसार बस फेयर बढ़िया निश्चिंत कथा यहाँ आगु पूर्व निर्धारित हो जाए कि कटा उठू जदि एत महंगाई को लेकिन सब प्रश्न उठू ताल डीजेल पेट्रोल दर कमुनि कहीं राज्य कि देश में स्वाधीनता पर परिस्थिति के सृष्टि ना जो पेट्रोल और डीजेल भाई अत्यावश्यक खाउटी सामग्री जहाँ राति पाइले गोटे साधारण लोकट आरंभ करवसाय गोटे लोकर मैं आवश्यकता होता है जिते बड़े डीजेल पेट्रोल दर प्राइस शहे टकर वृद्धि हो जाए केवल बस फेयर नुह कि ट्रक फेयर नुह पूरा आम कह खाउटी सामग्री और अन्न्य परिवहन व्यवस्था पर पड़ू तेणु मोटामोटी भाव कह यार दर वृद्धि खूब समस्त को बाधि था दर वृद्धि बाधवा द्वारा गोटे लोक हूँ शहे किलोमीटर भितर हूँ तार पखापाखी ये वृद्धि हो जाए जदि नौ पैसा है नौ टका वृद्धि पाँच केवल से क्षेत्र में नुहे ट्रक पर क्षेत्र में माल पर क्षेत्र में सामान प्रकार हूँ वृद्धि परलक्षित होती तेणु मोटामोटी भाव साधारण खाउटी जिते बड़े से अर्डिनरी बस रे जाऊ
कि सुपर प्रीमियम एसी बस रे जाऊ ए सब भितर गोटे महंगाई माड़ सब महंगाई माड़ केवल बस बस भड़ा परिवहन नुह ट्रक रे मध्य जो माल परिवहन एवं अन्यान्य सामग्री जहाँ सब आवश्यक थाए से क्षेत्र में प्रतिफलित होउछि निश्चित भाव तेज राजेश आउ गोटे कथा मध्ये देखिबा जे जो बस गुड़िक रही आपण जहाँ कहते जे साधारण बस भड़ा तो निश्चित भाव में बढ़ी सामान्य बढ़ी किंतु जदि आम देखिबा एहा निश्चित भाव में दिन कु दिन लोकंकर पॉकेट उपर ही एहार प्रभाव पड़ुछि आउ गोटे पटे देखिबा जे डीजल दरर जहाँ लगातार भाव में वृद्धि पाउछि अत्यावश्यक सामग्री दरदाम वृद्धि पाउछि गोटे पटे जो सबू अत्यावश्यक सामग्री गुड़िक रही गोटे जगह अन्य स्थान को स्थानांतर करने ट्रक उपरे निर्भर विशेषतः करा जो डीजेल व्यवहार करा जो कि यह भाव दर वृद्धि घटू कि आपरे वर्तमान केन्द्र सरकार कहतु बा राज्य सरकार कहतु भैट बा टैक्स कमेबा मुड्रे वर्तमान भी कहीं नहांती देखो भैट तो कमा जाए पारे ना वर्तमान प्रथम सूचना देखा चाहिए डीजेल पेट्रोल दर भैट अधीन को आस ए जो जीएसटी अधीन को आसी ना सब बड़ गुरुत्वपूर्ण एवं बड़ भूल निष्पत्ति केन्द्र सरकार बाहाना देखते जे जेहेतु कोविड परिचालना चिकित्सापी टीका अधिक टंका खर्च होणु यही दुईटी सामग्री उपर आम अधिक टैक्स नौ जहाँफल देश पर जो कोविड परिचालना टीकाकरण में आवश्यकता पड़ी केवल से नुह देखु गैस दर वृद्धि पाई गैस गैस सामान बाहाना आज पर्यटन देश में जो जो खाउटी सामग्री और जो अत्यावश्यक सामग्री दर वृद्धि होती गोटे बाहाना देखा जाऊँगी कोरोना चिकित्सा आल तेणु जो दुई तीनो प्रमुख सामग्री गैस हूँ डीजेल हूँ पेट्रोल हूँ यार दर वृद्धि हो दर वृद्धि फल सब सामग्री गुड़िक बढ़ी जाए कारण मार्केट मुद्रा स्फीति आरंभ करके मार्केट बजार दर तल उपर जो नियंत्रण हुए सबकि निर्भर कै डीजेल और पेट्रोल प्राइस प्रथम कथा या जीएसटी अधीन को अणा जाऊना जदि जीएसटी अधीन को अणा जाता बोध हुए यह बर्तमान लिटर पिछा 75-80 टाँह हाँ कारण जीएसटी चारोटी स्लाब रही चारोटी स्लाब भितर सर्वाधिक 28 टाँचा टैक्स रही है यह 28 टाँचा जब टैक्स नि जाए तो गोटे चलन किंतु एवं 100 टकरु केवल 43-45 टाँचा हूँ बेस्ट प्राइस रोच अएल्र एवं टैक्स जाऊँच बड़का टाँचा पाखापाखि 55-58 टाँचा टैक्स बाबदे जाऊँगी तेणु एत परिमाण आम तेल किणु 40 टाँचा टैक्स दौ 60 टाँचा बहुत टैक्सटा अधिक हो जाऊँगी किंतु ये जो दर वृद्धिटा 2016 रु लगातार हो आसुची किंतु बाहाना देखा जाउची 2 वर्ष ला आरंभ होइतबा कोरोना महामारी रो तणु समस्त निश्चित भाबरे राजेश आमे वर्तमान अपेक्षा करिबा जे आगो को प्रकृत रे केंद्र सरकार हुंतु बा राज्य सरकार हुंतु ए टैक्स रे किछिटा छाड़ करूछंती ना नाही कारण यह निश्चित भाबरे खाउटिंग को उपरे बहुत प्रभाव पकाउची आउ आळो देखेले हेबो नाही किछि ना किछि एठी निष्पत्ति नेबार आवश्यकता रहउची जदि आवश्यक क्षेत्र रे एहा भी मध्य करा जे परे आपण जा कहुतले जे जीएसटी रे जदि एही तौल दर बा गैस दर को अंतर्भुक्त करा जानता हुए तो खाउटी माने किछिटा फायदा पाई पारंते बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपनकर समस्त सूचना एवं आलोचना पाए तो दर्शक बंधु वर्तमान समय हो जाए ग्राउंड जीरो रे खबर है ठीक नमस्कार।